Hi YouTube family. You are watching my YouTube channel Zen Food is Wine. So let's go. आज का लोग करते हैं स्टार्ट। आज हम आए हैं पेपरोनी पे, और पेपरोनी माशाल्लाह यहाँ पे फास्ट फूड कैफे है शेखपुरा में, और लोकेशन इनकी जो है वो है शेखपुरा रोड के ऊपर की मेन लोकेशन है। और माशाल्लाह इनका सेटअप बिल्कुल प्यारा और बिल्कुल उम्दा किस्म का इस दफ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे ये शेयर करें, काफ़ी दिनों से क्लोजिंग ही बंद की हुई थी, मेंटेनेंस प्रॉब्लम थी, तो इन माशाल्लाह इन्होंने अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सेटअप ना अच्छा कर लिया है, और लोकेशन भी बड़ी प्यारी और अच्छी हो चुकी है, और काफ़ी मेकिंग यहाँ पे हो रही है बर्गर्स की, रिंगर्स की, पिज़्ज़ाज़ की। और पेपरोनी माशाल्लाह शेखपुरा काफ़ी अच्छा एक फास्ट फूड कैफे है, और माशाल्लाह आप यहाँ पे आए विजिट करें और देखते हैं माशाल्लाह दिखाएँ पेपरोनी। तो नाजी हम आ गए अपने लोकेशन पे माशाल्लाह पेपरोनी पे। लोकेशन आपको बता चुके हैं कि माशाल्लाह शेखपुरा रोड के ऊपर की लोकेशन है, और यहाँ पे आके देखे सेटअप माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है इन लोगों का, और ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। काफ़ी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ रहा था, इन लोगों ने माशाल्लाह ब्रांच को काफ़ी अच्छा लोकेट किया, तो लोकेशन बड़ी प्यारी हो चुकी है। और ग्रैंड ओपनिंग के अंदर काफ़ी डील वगैरह आई थी, तो हमने सोचा हम भी जाके इन्जॉय करते हैं फूड को। तो फास्ट फूड है यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, तो काउंटर भाई जो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे माशाल्लाह क्या क्या डील दे रहे हैं और टाइम टेबल क्या चल रहा है इन लोगों का। अच्छा सर, ये बताइएगा माशाल्लाह आप लोग की जो ब्रांच ओपनिंग हुई है कितने दिन के लिए बंद रही थी पहले यहाँ पे? तो ये मैक्सिमम हमारे को 2 मंथ्स के लिए बंद रही है, रेनोवेशन वगैरह चलती रही है, उसके बाद ये 2 डेज हुए हमारी ओपनिंग के, आज तीसरा दिन है, तो आज लास्ट डे हमारी जो डील थी ओपनिंग की, तो ये रात 12 बजे तक हमारी चलेंगी, उसके बाद डील हमारी चेंज हो जाएंगी, फिर हम देखेंगे क्या करना है। उनका फिलहाल जो डील चल रही है वो बहुत रीजनेबल आपने देखी होंगी, बाकी KFC वगैरह उनसे कंपेयर आप करें तो हमारे रेट बहुत कम। तो भाईजान से बात हो चुकी है माशाल्लाह, टाइम टेबल इन लोगों ने अपना शेयर किया है, और उसके अलावा ये देखें कि यहाँ पे ये लोग सर्व क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों का कोई मेन्यू कार्ड वगैरह आप लोगों का क्या है दिखाइएगा ज़रा। तो यहाँ पे हम माशाल्लाह काउंटर रिसेप्शन पे खड़े हैं, मैनेजर से बात करते हैं इनसे, तो हमें बताते हैं माशाल्लाह यहाँ पे क्या लोग ये सर्व कर रहे हैं, इनके डील्स क्या हैं, डिटेल में जो आपसे बात शेयर होगी वही बताएंगे हम इंशाल्लाह। तो बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? शाहिद। जी, तो शाहिद साहब हमारे पास खड़े हैं, इनसे बात करते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे इनकी डील्स क्या चल रही है, जो इनकी ओपनिंग हुई है ग्रैंड ओपनिंग, उसके बाद ये काफी दिनों से बंद भी थी, 2 माह कहते हैं कि समथिंग बंद रही है, उसके बाद माशाल्लाह अब इनका प्रॉपर तरीके सेटअप चलना शुरू हो गया, और बड़ा ही प्यारा व्यू दिया उन लोगों ने, और डील्स काफी अच्छी दी हुई है। तो मैनेजर सर से बात करते हैं शाहिद भाई से, तो बताते हैं माशाल्लाह 3 दिन इन्होंने क्या लोगों को माशाल्लाह दिया है, और उसके अलावा क्या क्या इन लोगों ने डील्स के अंदर दिया है, और सारा पूछते हैं इनसे, तो बात करते हैं इनसे। जी सर बताइएगा। एक तो ये हमारा पिछले 8 साल से था पेपरोनी, लेकिन अभी जो है ना हमने इसकी रिसेंटली ओपनिंग दोबारा की है। इसमें पहले हमारा पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह सिर्फ चलते थे, लेकिन साथ अब हमने इसमें बारबेक्यू ऐड किया है, कढ़ाइयाँ भी ऐड की हैं, और ऊपर बार बनाई जा रही, क्योंकि ये कढ़ाइयाँ और जो बारबेक्यू है ये मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये शेखपुरा में ऐसा टेस्ट किसी के पास नहीं होगा, और मैं कहता हूँ कि अगर आगे लोग आए कमेंट्स दें, अगर ऐसा अगर किसी को नहीं लाइक हो पसंद नहीं करेगा तो उससे मैं उसे। अच्छा, तो माशाल्लाह आपका कहने का आपका पिज्जा चल रहा है, बर्गर चल रहा है, और उसके बाद और क्या चला रहे हैं, बारबेक्यू भी चला रहे हैं माशाल्लाह, तो क्या कहते हैं जी बारबेक्यू का सेटअप भी चलना शुरू हो गया यहाँ पे। तो उसमें स्पेशल है, फिर उसमें चीज बोटी है, मलाई बोटी है, कस्तूरी बोटी है, कस्तूरी बोटी ओरिजिनल है, जो जेन्युइन उसका बनता है ना वो टेस्ट है। अगर आप किसी और से भी खाएंगे और यहाँ भी खाएंगे आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, इसलिए हमारी इस तरह स्पेशल कढ़ाइयाँ भी हैं पाकिस्तानी में। एक कढ़ाई जो बहुत स्पेशल है, जो मेरे हाल शेखपुरा में है ही नहीं, वो है बारबेक्यू मलाई बोटी कढ़ाई, वो बोनलेस मलाई बोटी की कढ़ाई बनाते हैं हम, कमाल होती है वो। तो मज़े मज़े की डिशेज भी हैं यहाँ पे, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा हैं, उसके अलावा माशाल्लाह मलाई बोटी, टिक्का कबाब, सारा कुछ यहाँ पे है। तो शायद भाई के साथ बात की है, तो माशाल्लाह उन्होंने अपना सारी डिटेल में सारा कुछ बताया है, और अब हम चलते हैं आगे माशाल्लाह इनका सेटअप भी करते हैं, सेटअप कैसा है, और आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा सर जी, हमने मैनेजर से तो बात किया, तो माशाल्लाह बॉस के साथ बात करते हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं और बताते हैं माशाल्लाह कैसा सेटअप है इनका, तो बात करते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी राय सुहेब। तो आप लोगों का पेपरोनी क्लोजिंग में था मेरे ख्याल से 2 माह बता रहे हैं। बेसिकली पेपरोनी जो है ये कोई नया सेटअप नहीं है, इट्स एन ओल्ड सेटअप, लेकिन इसको हमने रेनोवेट किया है, और रेनोवेट करने के बाद इसमें एक नया टच दिया है जो कि पहले शेखपुरा में मौजूद नहीं है। इसमें हमने कॉफी शॉप का सेटअप ऐड किया है, साथ में पाकिस्तानी खाने, बारबेक्यू
और जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था फास्ट फूड का सेटअप उसको भी हमने अपग्रेड किया है। तो ये एक नया टच है शेखुपुरा के आवाम के लिए, कॉफ़ी शॉप क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं थी करती। ग्लोरिया जिन से भी हाई स्टैंडर्ड है हमारा, तो माशाल्लाह आएँ और सब लोगों को मैं कहूँगा कि ट्राई करें। तो ओनर से बात की है माशाल्लाह, वो कह रहे हैं जी माशाल्लाह हमने यहाँ पे एक अच्छा सेटअप आप लोगों को दिया है, तो पिज़्ज़ा बर्गर से वो अलग होते ही हैं यहाँ पे, तो माशाल्लाह एक उनका बारबेक्यू भी वो कह रहे हैं हम लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अंदाज में मुतारिफ करवाया। तो ओनर के साथ बात की है माशाल्लाह, आज हमें ओनर मिल ही गए हैं, तो आगे चलते हैं आपको सेटअप सारा दिखाते हैं माशाल्लाह पेपरोनी का। और कह रहे हैं कि माशाल्लाह 8 साल से पेपरोनी का काम कर रहे हैं और अब तो माशाल्लाह सेटअप बड़ा इनका अच्छा हो चुका है। तो ओनर से इजाज़त लेते हैं और आगे चलते हैं। तो हम जा रहे हैं माशाल्लाह ऊपर सेटअप देखने के लिए, हाल इनका दिखाया, फैमिली हाल नीचे है और सीढ़ी के ऊपर माशाल्लाह एक और लोकेशन है इनकी, वहाँ पर जाके देखते हैं। पेपरोनी ब्रांड बन चुका है जनाब, KFC तो अपना चैलेंज लेके बैठा हुआ है लेकिन पेपरोनी माशाल्लाह सेटअप अच्छा लेके यहाँ पे लोगों को सर्विंग कर रहा है। तो देखें माशाल्लाह जी क्या बात है, कॉफ़ी शॉप भी है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आके कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। सेटअप देखें माशाल्लाह, व्हाट्सएप बिग सेटअप आ जाए। तो माशाल्लाह हमने सेटअप देखा है, एक नीचे सेटअप दिखाया आपको माशाल्लाह जहाँ पे सीटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। अब एक आपको और चीज़ दिखाने लगे माशाल्लाह देखें, ये है जनाब कैफ़े बनाया उन लोगों ने कॉफ़ी के लिए, यहाँ पे जूसेस वगैरह भी अच्छे हैं और उसके अलावा अब बैठ के यहाँ कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ये है तो यहाँ भाईजान से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं माशाल्लाह ये क्या सेटअप दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर माशाल्लाह ये जो काउंटर आपके पास है जो के शेखुपुरा में फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पेपरोनी रेस्टोरेंट। तो माशाल्लाह उन्होंने बताया हमारे पास जूसेस भी हैं, कॉफीज भी हैं, जो लोग बर्गर खाना चाहते हैं वो बर्गर नीचे खा सकते हैं और जो कॉफी वगैरह इंजॉय करना चाहते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पीना चाहते हैं वो ऊपर आ सकते हैं। तो बात उनसे की है तो इनके माशाल्लाह मेन्यू देखते हैं इनका क्या, इन लोगों का क्या है, दिखाएं जी मेन्यू कार्ड अपना, ये वाला जूस वगैरह देखते नहीं क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा जी तो ये कहते हैं ओनर के बेटे हैं माशाल्लाह, इनके नाम पूछते हैं इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम वो मछलटान चिकंदर है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है आपका, और छोटे भाई का क्या नाम है? माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं और ओनर हमारे पास खड़े हैं, ये माशाल्लाह आपके हैं जी? मेरे बेटे हैं माशाल्लाह। तो ये है तो उसके माशाल्लाह बच्चे देख कितने क्यूट हैं और माशाल्लाह, हाँ इनसे पूछते हैं ये इधर क्या लेने हैं। अच्छा आप क्या लेने हो यहाँ पे? यहाँ पर हम अपने बाबा का, हम यहाँ पर पेपरोनी देखने आए हैं जी, पेपरोनी पे सेटअप वगैरह देखने आए हैं। आपने बर्गर खाया? नहीं। आपको बर्गर पसंद नहीं है? नहीं, मैं केक अच्छा था ना? हाँ, यहाँ का केक का, यहाँ का पिज्जा खा रहे हैं। अच्छा जी माशाल्लाह पिज्जा भी खाया, केक भी खाया, बर्गर भी खाया, और जूस किसने पिया भी पूछते हैं। मैं जूस पीऊंगा और केक भी खाऊंगा। माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों से प्यारी प्यारी बातें हो चुकी है, तो अपने वीडियो को नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे जाके उनसे शेख वगैरह। तो माशाल्लाह कैफे पे खड़े हैं और जूस वगैरह देखते हैं, इन लोगों ने हमारे लिए स्पेशली सिप बनाया, तो देखते हैं उसको जरा कैसा वो दिखाएगा। ये क्या चीज़ है पूछते हैं पहले इनसे। रसगुल्ला है ये सर, हमारी स्पेशल ड्रिंक है। स्पेशल ड्रिंक है जनाब, पी के बताते हैं वो कैसा माशाल्लाह इसका जायका है। अच्छा था यार, पता चला कुछ चीज़ अंदर गई है। तो आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको प्यार भी मिलेगा और उसके अलावा आपको कॉफ़ी वगैरह भी मिलेंगी और जूस वगैरह भी मिलेंगे। तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है, बर्गर और पिज्जा खाने के बाद ऊपर भी चक्कर लगे, ऊपर ही बड़ा अच्छा सेटअप है इनका और बड़ी प्यारी चीजें दे रहे हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं माशाल्लाह, थर्ड फ्लोर पे हम बैठे हैं और यहाँ पे आपको लेके आने का मकसद सिर्फ ये, तो स्पेशल गेस्ट हमारे माशाल्लाह, उनका नाम भी पूछेंगे, उनसे ये भी बात करेंगे माशाल्लाह इन्होंने ये इतने सालों से हार्डवर्क जो किया है, 8 साल समथिंग कहते हैं कि पेपरोनी को बने हुए हो गए हैं, और यहाँ पे उनसे बात करके ये पूछना है कि उनका कामयाबी का राज क्या है, ठीक है, और सबसे अच्छा सेटअप जितना लगाया हुआ है सारे का सारा उनसे बात करनी है। तो पहले उनसे
आपसे उनके चीफ गेस्ट से मिलाता हूँ तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम जी शमीम अख्तर है। तो माशाल्लाह आप यहाँ पे ओनर हैं जी। तो ये हमारे ओनर साहब हैं, माशाल्लाह देखने भी अच्छे लग रहे हैं और बातों भी आपसे अच्छे लग रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह पेपरोनी इसका सिंस क्या है, कितने सालों से ये चल रहा है? ये 8 साल से चल रहा है। स्टार्टिंग पे बनाया था तो मैं कोई 40 साल से जर्मनी रह रहा हूँ। अच्छा। तो यूरोपियन स्टाइल का मैं रहने वाला शेखुपुरा का हूँ, तो इसलिए जेन में एक कंसेप्ट था कि यहाँ कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए, ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए कि लोग यहाँ से लाहौर जाते हैं खाना खाने, उनको यहाँ लगे कि हम किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं और लाहौर वाला व्यू है यहाँ। तो मैंने एक चीज आपको दिखानी है, यहाँ पे आप कैमरा में अगर उठ के दिखाएं, माशाल्लाह सेट पे दिखाएं, रूफ का कैसा है दिखाएं जरा। मेन रोड के ऊपर आपको देखिए हाईवे नजर आ रही है और आप यहाँ पे बैठ के ना एक अच्छा खासा माहौल देख सकते हैं, बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। तो मेरे तरफ कीजिएगा जरा, ओनर के साथ बात की है माशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि मैंने इतने साल जर्मनी में लगाए हैं और मैंने ये मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसा सेटअप यहाँ पे बनाऊं कि लोग यहाँ पे आके माशाल्लाह एंजॉय करें। और थर्ड फ्लोर पे हम खड़े हैं और वीडियो बनाने का मकसद ओनर से मिलवाना था, क्योंकि हमारी हर वीडियो के अंदर हमें ओनर नहीं मिलते, तो आज हमें पेपरोनी के ओनर भी मिल गए हैं और उनसे बातें भी हुई हैं माशाल्लाह। तो ये कामयाबी इनकी माशाल्लाह हमें नजर भी आ रही है, 2 महीने कहते हैं कि माशाल्लाह से मेंटेनेंस जो है ना चलती रही है और अब एक अच्छा सेटअप यहाँ पे आ चुका है। तो बातें शाते करते करते हम कहाँ से कहाँ चले गए, हमें भूख भी अच्छी खासी लगी है, तो हम नीचे चलते हैं तो जाके बात करते हैं उनसे भी और ऑर्डर देते हैं अपना, तो नेक्स्ट वीडियो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी सीटिंग पे आ चुके हैं और यहाँ पे बैठ के हम आपके साथ माशाल्लाह मज़े मज़े की इनकी डिशेज वगैरह जो भी हैं फास्ट फूड की शेयर करेंगे और देखेंगे ये हमें क्या सर्व कर रहे हैं और उसके अंदर डील्स क्या हैं। डील्स हमें लेनी है माशाल्लाह, अच्छी खासी डील होगी और जिंगर बर्गर उनके जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम खाएँगे भी, आपको दिखाएँगे भी और उसके रिव्यू आपसे शेयर भी करेंगे। सारा सेटअप आपको दिखा दिया ऑलरेडी और उसके बाद लास्ट आपके साथ ये कहना है कि वेट कर रहे हैं जिसको हमने ऑर्डर देना है, वो भैया आएंगे उसको ऑर्डर देंगे, उसके बाद माशाल्लाह अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो माशाल्लाह ये जो काउंटर रिसेप्शन पे हमारे मैनेजर साहब खड़े थे उनके साथ भी बात की और अब ये भी ऊपर वाले पोर्शन के मैनेजर हैं जो कॉफ़ीज़ और जूसेज वगैरह हमें सर्व करते हैं और उसके अलावा सारा कुछ देखते हैं अंडर ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे जो हमने डील लगवाई है उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डीलें हैं यहाँ पे, माशाल्लाह आप लोगों की अच्छी खासी चल रही हैं और इसके डिस्काउंट कितना है, उसके अलावा शहर से हटके हमें जो जो चीज़ें दे रहे हैं उनसे मुझे भी पूछेंगे। और फिर वक्त जो हमने डील लगवाई है हम आपको बता देते हैं हमने कौन सी लगानी है, तो उनसे बात करके पूछते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर ये बताइएगा कि आपकी जो जिंगर डील चल रही है कौन कौन सी चल रही है? जिंगर में काफ़ी सारे डील्स हैं, एक ये जिंगर डील है, उसके साथ जिंगर बर्गर है, रेगुलर फ्राइज है, एक कोक का कैन है, ठीक है, एक जिंगर की डील है, उसके बिना जिंगर का बर्गर है, एक चिकन पीस है, एक रेगुलर फ्राइज है, एक कोक का कैन है। अच्छा, तो जो रेगुलर डील आपकी ज़्यादा चल रही है कौन सी है? सर ये जिंगर वाली चल रही है जिसमें फ्राइज और 7 जिंगर बर्गर। अच्छा। ठीक है, बाकी फैमिली डील है, उसके बीच में आपको 5 चिकन पीस मिलेंगे, 3 जिंगर बर्गर मिलेंगे, 5 रेगुलर फ्राइज मिलेंगे, 5 कैन मिलेंगे, ये हम दे रहे हैं 2600 में। ठीक है, इस तरह और काफ़ी सारी डील्स हैं, पाकिस्तानी फूड में भी डील्स हैं, जैसे कि ये रील है इसमें आपको एक कढ़ाई मिलेगी चिकन, 4 पीसेस कबाब के मिलेंगे चिकन में, ठीक है, प्लेन रोटी या नान मिलेगा, 2 रायता, 1 सैलेड, 7-3 कैन मिलेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह एक अच्छा खासा बिग बड़ा काफ़ी मेन्यू इनका और फैमिली के लिए भी ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी फास्ट फूड की डील्स हैं, ये सारी जो सी पिज़्ज़ाज की डील्स हैं और ये वाली जो सी हैं ये जो उनकी पाकिस्तानी आइटम जो चल रही हैं रेगुलर, आपको पता है होटल पर जाते हैं खाते हैं, बीफ की, चिकन की, कबाब की, सारी मखनी, हांडी, चाइनीज़ और चाइनीज़ आप लोग दे चाइनीज़ नहीं दे रही है। तो ये सारा मेन्यू कार्ड आपको माशाल्लाह तस्वीर में शेयर करेंगे। तो जो हमने अपनी ऑर्डर डील करनी है वो करनी है हमने 480 वाली डील है, तो हम 2 बंदे हैं तो माशाल्लाह ये डील हम इंजॉय करेंगे, आपके साथ टेस्ट भी शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएँ कि माशाल्लाह ये कितनी मज़ेदार है। तो हमने काफ़ी बर्गर वगैरह खाए हैं लेकिन यहाँ पेपरोनी पे फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे आपके साथ टेस्ट शेयर करें इंशाल्लाह, तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो डील हमारी आ चुकी है माशाल्लाह, तो दिखाएं जी डील हमारी जो हमने लगवाई थी माशाल्लाह वो आ चुकी है।
तो फ्राइज हैं और बर्गर हैं, टेस्ट आपको लाजमी शेयर करना है और टेस्ट का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो होगा इंशाल्लाह वही आपका रिव्यू शेयर करेंगे। तो अपनी वीडियो को साथ साथ स्टार्ट रखते हैं और साथ साथ अपना फास्ट फूड को आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह मैं अपनी 480 वाली डील जो हमें लगवाई थी वो लग के आ चुकी है। हम अपनी सीटिंग पे आराम से बैठे हैं, सर्विंग हमें हो चुकी है, हमने जो अपना जिंगर ऑर्डर किया था वो भी हमें मिल चुका है, फ्राइज वगैरह मिल चुके हैं और माशाल्लाह दो टिन कैन भी साथ इसके, जो हम खाएँ आपके साथ लाजमी शेयर करें। तो एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा फैमिली के लिए रेंज यहाँ पे है और आप लोग यहाँ पे आके इसको टेस्ट कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको सारे खाने भी आपको मिलेंगे, कॉफ़ीज़ मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे और उसके अलावा जो फास्ट फूड लवर हैं, पिज़्ज़ाज लवर हैं और जिंगर्स लवर हैं वो यहाँ आके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फ्राइज टेस्ट करूँगा पेपरोनी के। मज़ा आ गया यार, काफी जो था ना मजे के फ्राइज बने हैं। और उसके अलावा ये व्हाट अ बिग साइज जिंगर, देखें कैसा, ये दिखाएं करीब से, दिखाएं क्लोज करके देखें। लेटस है, उसके अलावा एक चिकन का पीस है और एक पैटी है साथ। तो आमतौर पर मैजिंगर के पीसीस नज़र आते हैं लेकिन इसके अंदर पैटी भी है। और टेस्ट करते हैं फर्स्ट बाइट में पता चल जाना है जी हमारा क्या टेस्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केचप डाल के थोड़ा और मजा आएगा। मजेदार, वेल डन, टेस्ट में अच्छा है, चिकन पीस भी है, पैटी भी है, बर्गर भी है, माशाल्लाह जिंगर अच्छा, अच्छी टॉपिंग हुई है आपके साथ शेयर की है। इतने पैसों में इतना अच्छा चीज़ आपको मिले तो आप लोग क्यों नहीं आए यहाँ पे खाने के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा माशाल्लाह यहाँ पे आके सारे का सारा सेटअप देखें और फैमिली को भी ले गए, खुद भी इंजॉय करें। तो हम आपको टाइम लैप्स में दिखाएंगे हमने क्या खाया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले स्टार्ट में। तो माशाल्लाह हमने अपना जिंगर टेस्ट किया जो हमने डील लगवाई थी, बहुत ही मज़े का था और चिकन का स्टफ भी अच्छा था, फ्रेश चिकन था, उसके अलावा साथ फ्राइज थे, उसके अलावा डो उसकी बड़ी अच्छी थी। एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपना जिंगर को मेक किया हुआ था और मज़ा आया खाने का। माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि यहाँ के नीचे रिसेप्शन से ले के ओनर तक हमारी माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है और उसके अलावा हमसे बातें भी की हैं, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है। और लास्ट आपके साथ ओनर के साथ आप जो बात करवाई, जो माशाल्लाह के ओनर हैं यहाँ के, उन्होंने काफ़ी प्यार दिए हमें, हमारे साथ हर किसी ने तामन किया। तो एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा फैमिली अरेंज, आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इनका अमला काफ़ी अच्छा है, जो लोग यहाँ पे आपके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। तो जो आपने माशाल्लाह यहाँ पर खाना है वो आप उसको कहते हैं कि आपको एक मज़ा देगा। तो फास्ट फूड के रिलेटेड मेरे ख्याल से 100 में से 100 नंबर हैं। आज पेपरोनी पे आके मज़ा आया हमें अपना खाने का और उसके अलावा आपके साथ फूड रिव्यू शेयर किया है, मैं कहता हूँ कमाल है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँ। शेखपुरा के अंदर हमारी जो जो जिस जगह पे फास्ट फूड कैफेज हैं, कैफेटेरियाज हैं, आपसे लाजमी शेयर करूँ। तो एंड में आपके साथ ये बात करूँगा कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, सेटअप देखें, 3 फ्लोर हैं इनके, फर्स्ट फ्लोर भी है, फैमिली हॉल भी है और सबसे ऊपर ओपन भी है, रोड से आपको पूरी लोकेशन शेखपुरा नज़र आएगा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हमने सारी की सारी मेकिंग आपको दिखाई है, यहाँ के जितना सेटअप आपने देखा है
एक अच्छा सेटअप दिया हुआ है, फैमिली हॉल भी है, ऊपर ओपन रोड पे भी है सेटअप इनका, और माशाल्लाह यहाँ नीचे फैमिली हॉल के अंदर आप खा के फैमिली को लेके आए और आपको एक अच्छा प्यार भी मिलेगा। और ये मैनेजर साहब हैं, ये भी मैनेजर साहब हैं, और इन्होंने काफ़ी प्यार दिया, अमला काफ़ी लोग अच्छा है, और बात करने का अंदाज से लेकर हमें खिलाने तक, हम सर्विंग करने तक हम सब काफ़ी ताउन किया। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप एक बार विजिट करें, आपको एक अच्छा प्यार मिलेगा। और इंशाल्लाह मैंने जो रिव्यू आप शेयर करने हैं वीडियो के फूड के सारे के सारे, इंशाल्लाह आपसे अच्छे रिव्यू शेयर किए हैं, तो मुझे एक अच्छी सेटअप के अच्छा प्यार मिले सबसे। और एंड टू एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें, और फैमिली से लाजमी।